सो हेलो व्हाट्सएप का है स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएट एनिमेज में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जे बी एल के ईयरफोन्स है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, तो इनकी क्या कि बैटरी ख़राब हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं दबा रहा हूँ तो सिर्फ रेड लाइट जलेगी हल्की हल्की, शायद आपको दिख नहीं रही होगी पर हल्की हल्की जलती है, फिर ये बंद हो जाता है। तो अब मैं हमें इसे रिपेयर करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे कटर से किसी भी नुकीली या पतली चीज़ से इसे ओपन कर दूंगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन खुल चुका है। ये इसकी पतली सी बैटरी है जो जे बी एल की है, ये ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। अब हम इसे इस बोर्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देंगे। चलिए डिस्कनेक्ट करते हैं इसको ये सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब हो जा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये हो गया। अब मैं आपको इसे मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ कि ये कितनी वोल्टेज दे रहा है। तो गाइस, ये रहा हमारा मल्टीमीटर। ये अब हम चेक मैं बताता हूँ चेक करके कितनी वोल्टेज दे रहा है। ये लगा दिया हमने। तो गाइस, ये 2 पॉइंट दे रहा है, ऐसे 2.91 ऐसे ही दे रहा है। गाइस, कम से कम किसी भी मॉड्यूल को डीसी पावर में चलने के चाहिए थे 3.7 वोल्ट, और ये दे रहा है इतनी पावर, तो ये नहीं चल रहा। ये मेरी 3.7 वोल्ट की बैटरी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो ट्रेवल मसाजर में लगाई थी। ये मेरे पास एक और पड़ी है तो मैं इसमें भी लगा रहा हूँ। इसे मैंने साइड से बिल्कुल थोड़ा दबा दबा के फ्लैट कर दिया, क्योंकि ये बहुत मोटी है और बड़ी भी है, जिससे कि ये फिट हो जाए। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस, हमारे ये अब कनेक्ट कर रहे हैं हम, रेड वायर हमारी कनेक्ट हो गई। ऐसे हमें इसको बिल्कुल आराम से करना पड़ता है ताकि किसी भी सर्किट में इसके खराबी ना आए, बिकॉज ये जे बी एल के तो महंगे ऑब्वियसली होंगे। तो ये हमारा अब लग चुका है बिल्कुल परफेक्टली। अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ये मैं निकालता हूँ अपने क्लिप से इसको, और ये बीच का बटन से आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने दबा के रखा और देखिए ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम इसे पैक कर देंगे, बिल्कुल पहले जैसे ही पैक कर देंगे हम इसको। तो गाइस, मैं इसे अब पैक कर रहा हूँ, देखिएगा। गाइस, हमारी बैटरी थोड़ी सी आगे लगी है, तो मैं इसे स्क्रू ड्राइवर से किसी भी चीज़ के हेल्प से हल्का पीछे कर दूंगा। अगर आपको दिख ना रहा हो कोई टेंशन नहीं लीजिए, मैं स्क्रू ड्राइवर से ही कर रहा हूँ और किसी चीज़ से नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस, हम अब इसके ऊपर के पार्ट को लगा देंगे। हमारा बिल्कुल मॉड्यूल अंदर फिट हो चुका है, इस बस थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी जो मोटी है हमारी वो इतनी अच्छी तरह फिट नहीं आती इसमें, तो थोड़ा जोर लगा के हमें इसको करना पड़ेगा। ऐसे बस फिट कर रहा हूँ, देखते जाइए आप। हमारा बटन कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया है, तो मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। स्क्रू ड्राइवर से तो नहीं हो रहा, उल्टा और खराब हो सकता है, तो मैं कटर की हेल्प से इसको ठीक करता हूँ। थोड़े से इसको ऊपर करेंगे, बिल्कुल ऊपर। अब देखिए, बटन हमारा बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रहा है। बाकी के आगे के वॉल्यूम बटन्स को भी हम कर देंगे, और ये हमारा पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने बंद कर दिया, और ये हमारा रिपेयर हो गया है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना,
और क्या बचा, जो करना है कर देना। और